हेलो एवरीवन, शीला की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ छोले भटूरे की रेसिपी। ये देखिए कितने अच्छे बने हैं और काफ़ी फूले भी हैं। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे भटूरे फूले हैं। और ये देखिए मैं छोले की भी रेसिपी आपको आज दिखाऊंगी। तो छोले भी बहुत टेस्टी बने थे गाइस, ये देखिए। तो चलिए आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बनाई हूँ छोले भटूरे। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। और वीडियो ज़रा से भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। तो ये देखिए मैं कुकर चढ़ा दी हूँ, उसमें मैं एक गिलास पानी डाल दी हूँ। पानी ज़्यादा ना डालें, थोड़ा ही डालें, क्योंकि छोला मेरे कम थे तो इसलिए मैं पानी कम ही डाली हूँ। ये देखिए, तो आप अपने छोले के हिसाब से ही पानी डालें, जितना आप छोले की क्वांटिटी है उतने ही पानी डालें। तो छोला मेरे कम थे तो इसलिए मैं एक गिलास ही पानी डाली हूँ। और ये देखिए इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाली हूँ। अब मैं आधा घंटे के लिए इसे पकने दूँगी, ज़्यादा नहीं पकाऊँगी, केवल आधा घंटे के लिए पकाऊंगी। तो आधा घंटे में पक के तैयार हो जाते हैं। तो देखिए मैं भटूरे का आटा लगा रही हूँ। तो देखिए मैंने 200 ग्राम मैदा लिया है, इसमें मैं थोड़ी सी चीनी, थोड़ा नमक और कुकिंग ऑयल डाला है और दही डाल के मैं सान रही हूँ। ये देखिए इस तरह से आटा लगा के मैं रख दूँगी। अब देखिए इसमें थोड़ा सा इनो पाउडर है, इसमें मैं थोड़ा पानी डालूँगी। ये देखिए इस तरह से झाग बन जाता है। तो थोड़ा बर्तन छोटा था ना तो इसलिए बाहर गिर गया। अब इसको मैं आटे में मिला दूँगी। तो इससे ना भटूरे बहुत अच्छे फूलते हैं गाइस। इस तरह से आप भी बनाएंगे तो देखिएगा आपके भटूरे बहुत फूलेंगे। ये देखिए इनो पाउडर को डायरेक्ट ना डालें, पानी में मिला के डालें तो काफ़ी अच्छे से फूलते हैं। ये देखिए आटे में मैं मिला रही हूँ। देखिए आटा बनके तैयार है, तेल बनके तैयार है। इसे मैं कम से कम 15-20 मिनट के लिए रख दूँगी सेट होने के लिए। तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, आप चाहें तो इसे 2-3 घंटा पहले भी गुथ के रख सकते हैं। तो इनो डालने की वजह से बहुत जल्दी फूल जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये देखिए छोले की ग्रेवी के लिए मैं प्याज ले ली हूँ, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक और टमाटर। ये देखिए अब मैं इन सब को मिक्सी में पीस लूँगी, इसका पेस्ट बना लूँगी। ग्रेवी के लिए है ये, तो इसे मैं छोले में इस्तेमाल करूँगी। इस तरह से गाय छोले बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो चाहे आप इसे चावल के साथ खाएं, चाहे पूड़ी के साथ खाएं, चाहे भटूरे के साथ खाएं, सभी के साथ ये छोले अच्छे लगते हैं। तो देखिए मैं कढ़ाई चढ़ा ली हूँ। अब मैं इसमें सरसों का तेल डाल रही हूँ, मस्टर्ड ऑयल। तो सरसों के तेल में गाय बहुत अच्छे बनते हैं छोले। तो हमारे यहाँ तो सरसों का तेल ही इस्तेमाल होता है सब्जियों के लिए। तो देखिए जीरा, हींग और हरी इलायची है, एक साबुत लाल मिर्च है और तेज पत्ता है। तो लाल मिर्च तो ज़्यादा मैं नहीं डालती क्योंकि बच्चे हैं, वो खाते नहीं हैं, तीखा हो जाता है। तो क्योंकि दो हरी मिर्च मैं मसाले में भी पीसी थी ग्रेवी में। ये देखिए अब मैं पेस्ट को डाल दूँगी जो पीस के मैंने रखा था। ऐसे अच्छी तरह से भुनेंगे, जब इसमें से ऑयल निकलने लगे तब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। तो मसाले में मैंने छोला मसाला ले लिया है, थोड़ा सा अलग से गरम मसाले भी इसमें डाल दी हूँ। ये देखिए इस तरह से मैं पानी में फेंट कर डालती हूँ ताकि मसाले जले ना। तो इस तरह से पानी में मिला के आप मसाले डालेंगे ना तो मसाले जलते भी नहीं हैं और बहुत अच्छी टेस्ट भी आता है गाइस। ये देखिए मसाले हमारे भून के तैयार हैं।
तो मसाले को खूब भूनना है, जब तक ऑयल ना छोड़ने लगे तब तक आप मसाले को भूनते रहिए। ये देखिए अब मैं छोले को डाल दी हूँ, ये देखिए इस तरह से। अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी, तो पानी तो आप अपने मनपसंद अनुसार डालिए, किसी को थिक पसंद है, किसी को जूसी पसंद होता है, तो आप अपने पसंद के अनुसार पानी डालिए। ये देखिए मैं पानी डाल दी हूँ, ज़्यादा पानी नहीं डाली हूँ क्योंकि भटूरे से खाने हैं ना। तो ये देखिए भटूरे के लिए मैं लोई काट के रख दी हूँ, तो इस तरह से आप लोई काट के रख देंगे ना तो आसानी रहती है। थोड़ा भटूरे बेलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट होते हैं ना, तो इसलिए पहले से तैयारी करके रख ले। ये देखिए कितने अच्छे से भटूरे फूले हुए हैं, आप खुद देख सकते हैं। ऐसे में ज़्यादा टाइम के लिए मैं नहीं रखी थी, मुश्किल से 15-20 मिनट के लिए ही रखी थी, तो इनू डालने की वजह से देखिए बहुत अच्छे फूलते हैं गाइस। ये देखिए और काफ़ी सॉफ्ट भी बने थे। ये देखिए छोले भी हमारे बन के रेडी है, धनिया पत्ती से मैं गार्निश कर रही हूँ इसे। तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा गाइस, इस तरह से आप छोले भटूरे ज़रूर बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसे बने हैं। तो मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ। ये देखिए छोले भी बन के रेडी हैं गाइस। वीडियो ज़रा से भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूले। थैंक यू, बाय। आप सब भी खा लीजिए।